डॉलर डार की कैद से आजाद, आंखें दिखाने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 7.17 रुपए महंगा, 262.60 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 265 रुपए की नई बुलंद सतह को छू गया। मुल्क की मईशत हिचकियां लेने लगी, डॉलर जाने कहां रुकेगा। बेकाबू डॉलर के बाद सोना भी गिरफ्त से बाहर, कीमत 7वें आसमान पर पहुंच गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सोना 2 लाख की हद पार कर गया। फी तोला सोना 7,000 रुपए महंगा होकर 2,02,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए महंगा होकर 1,73,610 रुपए तक जा पहुंचा। इंशाल्लाह IMF से इसी महीने में इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। पाकिस्तान आज उस दोराए पे खड़ा है जहां पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिला मुबालगा मैं कहने को तैयार हूं कि हमें बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। IMF से इसी माह मुआहदा होगा और मुश्किलात से निकलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को एक बार फिर तसल्ली, कहते हैं पाकिस्तान इस दहाने पर खड़ा है जहां एक एक पाई बचा रहे हैं। सफर मुश्किल जरूर मगर नामुमकिन नहीं, हम कब तक दूसरों के सहारों पर चलेंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अल्लाह के जिम्मे है, पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। मेरा ईमान है पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर बना। वजीर खजाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान गुज़श्ता 5 साल की कोताही भुगत रहा है, इंतखाबात में जाने से पहले बेहतरी लाएंगे। डार ने सिर्फ बढ़के मारी, डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे से नया तूफान आएगा। सनतें बंद, मजदूर बेरोजगार, किसान बेहाल होगा। इमरान खान की इसहाक डार पर तनकीद, कहा पेट्रोल 50 रुपए लीटर बढ़ जाएगा, आवाम का पैसा कम, जिनका बाहर पड़ा है ज्यादा हो रहा है। इमरान खान की बनीगाला रिहायशगाह की सिक्योरिटी पर मामूर खैबर पख्तूनख्वा के 50 अहलकार वापस भिजवा दिए गए। महकमा दाखिला पंजाब ने भी महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि जमान पाक लाहौर की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार अफसरान वापस बुला लें। साबिक वजीर आजम की रिहायशगाह के लिए गुज़श्ता साल 10 नवंबर को 50 अफसरान को तलब किया गया था। PTI रहनुमा फवाद चौधरी अडियाला जेल मुंतकिल, तिबी मुआयना भी किया गया। फवाद चौधरी को दीगर कैदियों से अलग रखा गया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने पुलिस की फवाद चौधरी का मजीद रिमांड देने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर नैब के रडार पर आ गए। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर के पूरे खानदान की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गवर्नर बलीगुर रहमान से मुलाकात, शिफाफ और आजादाना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फ्रेमवर्क में आईनी किरदार अदा करेंगे, अमन अमान पहली तरजीह है, पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। PTI ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वजीरे आला तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी, काम से रोकने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया गया। PTI की खाली करदा कौमी असेंबली की 33 नशिस्तों पर जिमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी, इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 23 फरवरी को जारी किए जाएंगे। PDM का 33 हलकों में हिस्सा न लेने का ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को क्लीन चिट दे दी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मुकदमा खारिज करने की दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक मौजूदा केस में मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहिद नहीं मिले।
कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। करंगी रोड कालापुल पर एहतजाज, रोड को दोनों इतराफ से बंद कर दिया, गाड़ियों की कतारें। मुजाहिरीन का कहना था कि चनेसर घोट में दो रोज से बिजली ही नहीं, शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। ट्रेन की बोगियों के अंदर जाकर मुआयना किया। जदीद सहूलियात से आरास्ता ग्रीन लाइन इस्लामाबाद से कराची तक जाएगी। रावलपिंडी, चकलाला, लाहौर, खानेवाल, भावलपुर, रोहड़ी, हैदराबाद और ड्रिंग रोड रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। दीरबाला में पाक फौज का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। बारकंद में बर्फ में दबी चार लाशें निकाल ली गईं। मुसलसल 20 घंटे के ऑपरेशन में अल खिदमत फाउंडेशन ने भी साथ दिया। ऑपरेशन के दौरान मशीनरी की बजाय हाथों से बर्फ हटाई गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर नैब के रडार पर आ गए। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर के पूरे खानदान की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गवर्नर बलीगुर रहमान से मुलाकात। शिफाफ और आजादाना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फ्रेमवर्क में आईनी किरदार अदा करेंगे। अमन अमान पहली तरजीह है, पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। पीटीआई ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वजीर आला तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। काम से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया गया। पीटीआई की खाली करदा कौमी असेंबली की 33 नशिस्तों पर जिमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 23 फरवरी को जारी किए जाएंगे। पीडीएम का 33 हलकों में हिस्सा न लेने का ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग केस एफआईए ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को क्लीन चिट दे दी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मुकदमा खारिज करने की दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक मौजूदा केस में मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहिद नहीं मिले। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। करंगी रोड कालापुल पर एहतजाज, रोड को दोनों इतराफ से बंद कर दिया, गाड़ियों की कतारें। मुजाहिरीन का कहना था कि चनेसर घोट में दो रोज से बिजली ही नहीं, शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। मुल्क में खून जमाती सर्दी का राज। बला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद रास्ते बंद। मानसेरा और शुगरान के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान में रुई के सफेद गालों के बरसने के बाद शदीद ठंड हो गई।